एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओपन पोर्सेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ओपन पोर्सेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है, एक हाईली रिक्वेस्ट है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट दूँ और अच्छी एक रेमेडी बताऊँ जिससे कि आपके ओपन पोर्सेस ठीक हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओपन पोर्सेस क्यों होते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले ये होता है कि हम अपने स्किन की देखभाल नहीं करते हैं, अपने फेस को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं। तो और फिर क्या होता है, हमारी स्किन में डर्ट जम जाती है या ऑयली स्किन होती है, तो उनमें तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमारे जो नोज़ पर, स्किन पर ओपन पोर्सेस हो जाते हैं जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है, वो अच्छे नहीं लगते, भद्दे लगते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे कि दिन में 7 से 8 बार आपको अपने फेस को वॉश करना चाहिए, और वीक में 2 से 3 टाइम आपको अपने स्किन को एक कपड़े से साफ़ करना चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और आपको अपनी स्किन को यूवी रेस में, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे बचाना चाहिए। जब भी आप बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन लगा के जाएँ, ताकि जो आपकी स्किन है उसका प्रोटेक्शन हो सके। अपनी स्किन को हमेशा क्लिंजिंग करें, और गर्म पानी का यूज़ ना करें अगर आपको ओपन पोर्सेस हैं, और स्किन को हमेशा ड्राई टॉवल या कपड़े से पोंछें, और क्लिंजर ऐसे यूज़ करें जो आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं। और आपको क्लिंजर कैसा यूज़ करना चाहिए, आपको क्लिंजर ऐसे यूज़ करना चाहिए जो सल्फ़ेट फ्री हो। मैंने आपको इतना बता दिया, आप आगे सर्च कीजिए कि सल्फ़ेट फ्री क्लिंजर कौन सा होता है। जो सल्फ़ेट फ्री क्लिंजर है वो आपको ओपन पोर्सेस के लिए ख़रीदना चाहिए, और उससे अपनी स्किन को साफ करना चाहिए, क्योंकि जो क्लिंजर में सल्फ़ेट होता है उससे स्किन ड्राई होती है और इची होने लग जाती है। तो और आपको जो क्लिंजर है वो डेली नहीं यूज़ करना है। लोग बोलते हैं कि डेली यूज़ कीजिए, आप वीक में 2 से 3 दिन उसको यूज़ कीजिए, आप शेड्यूल बना लीजिए कि इस दिन आपको यूज़ करना है। तो चलिए आगे, अभी मैं आपको बताऊंगी एक स्क्रब जो आपके ओपन पोर्सेस में बहुत मदद करेगा। पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि आपको ओपन पोर्सेस के लिए क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रेमेडी है, मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है वाइट कलर का, कोई भी हैंकी वगैरह ले लीजिए आप। उसमें आपको डालने हैं ये आइस क्यूब्स आपको डालने हैं, और फिर इसको इस तरीके से बंद करके आपको अपने ओपन पोर्सेस की मालिश करनी है, मसाज करनी है अच्छे से, ताकि जो ओपन पोर्सेस हैं उनको हेल्प मिल सके। आपको अपने पूरे फेस की मसाज करनी है, ये वैसे भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप चाहें तो एक इस तरीके से आइस क्यूब्स लेके अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, और आपको हमेशा वाइट कपड़ा लेना है। क्यों? ताकि आपको इसका रिजल्ट पता चल सके कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। सेकंड, आपको लेना है एक टमाटो के स्लाइसेस आप इस तरीके से काट लीजिए, और फिर अपने ओपन पोर्सेस या पूरे फेस पर इसको अप्लाई कीजिए। एक तरीके से आपके स्किन का फेशियल हो जाएगा, और अपने फेस पर इस तरीके से इसको 10 से 12 मिनट तक मसाज कीजिए अच्छे से। आपको करनी है मसाज 10 से 12 मिनट तक, और फिर जब ये सूख जाए 10 से 12 मिनट के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको वही वाइट कपड़ा लेना है। देखिए, सूखने के बाद आपको लेना है वाइट कपड़ा, और फिर जैसे आपकी मान लीजिए ये नोज़ है, नोज़ पर आप इस तरीके से इसको रगड़िए, इस तरीके से आपको प्रेस करना है हल्का। तो आपको देखिएगा जो ओपन पोर्सेस में जो डर्ट होगी वो सब इससे निकल जाएगी। इसके बाद जब ये आप स्टेप कर लें, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको लेना है कुकुम्बर यानी कि खीरा। खीरे को आपको जैसे आपने इससे मसाज की थी, उस तरीके से आपको इससे भी अपने फेस की मसाज करनी है बहुत अच्छे से, 10 से 15 मिनट आप इसको 15 मिनट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छा फील करेगी, फ्रेश फील करेगी, और जो ओपन पोर्सेस हैं उनको रिड्यूस होने में बहुत मदद मिलेगी। इस तरीके से आप अपनी स्किन पर इनको रब कीजिए, और इनको 5 मिनट के लिए अपनी आइस पर भी रख लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा। फिर जब ये सूख जाए ये वाला स्टेप, तो फिर आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, आपको वाइट कपड़ा लेना है, और फिर अपने जो पोर्सेस हैं उनको इस तरीके से रब करना है। इसको आपको करना है, फिर ये प्रोसेस करने के बाद आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी यानी कि पैक। आपको पैक लगाना है,
पैक लगाने के लिए आप, मैंने यहाँ पर ये मुल्तानी मिट्टी है मेरे पास, वो जो डली वाली मुल्तानी मिट्टी होती है वो मैंने भिगो दी थी और वो इस तरीके की हो गई है। और उसमें आपको ऐड करना है गुलाब जल। मैं ऑलरेडी गुलाब जल ऐड कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये यूज़ करना था, तो आप गुलाब जल ऐड कीजिए। मेरे पास घर का बना हुआ गुलाब जल है, आप चाहें तो बाहर मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। तो आप इसमें गुलाब जल ऐड करके इसको अपने फेस पर लगाइए, आप चाहें तो फिंगर से लगा सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, या फिर आप इस तरीके का ब्रश ले लीजिए, 15 से 20 रुपये का आ जाता है फेशियल, ये फेस पैक लगाने के लिए। इसको अपने फेस पर लगाइए और जब पूरा सूख, ये नहीं कि पूरा सुखाना है, जब पूरा सूखने वाला हो यानी कि हल्का हल्का गीला रह जाए तो आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए नॉर्मल। आप चाहे अगर आप ये बर्फ़ का पानी लेंगे ना, बिल्कुल चिल्ड पानी, और उससे अपने फेस को वॉश करेंगे दिन में 4 बार चाहे 5 बार, तो आपके जो ओपन पोर्सीज है उनमें, उनको ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो एक मैं आपको पैक बता रही हूँ, ये एक पैक भी है और ये एक स्क्रब भी है। आपको शुगर लेना है, शुगर देखिए मैंने इसमें डाला हुआ है, उसके ऊपर आपको हनी डालना है, और मुझे इसको डाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आप इस पैक को या स्क्रब को अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए और 10 मिनट बाद फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से, तो ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाएगा। और इसके अलावा अगर आप ये झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आपको लेना है ओरिफ्लेम का शुगर, मिल्क हनी शुगर का स्क्रब आता है, वो बहुत ही बेस्ट है। मुझे एक्चुअली मैंने वो ट्राई किया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो मैं डालने वाली हूँ, तो आप वो ख़रीद सकते हैं और वो बहुत अच्छा स्क्रब है आपकी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स ये आप इस तरीके से अपने लिए ये चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ओरिफ्लेम का स्क्रब कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ओरिफ्लेम का मिल्क हनी और शुगर का स्क्रब है। ये ओपन पोर्सीज को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोई ओपन पोर्सीज के लिए एक स्क्रब ढूंढ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, और ये आपको अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाएगा, लेकिन अमेज़ोन पे मैंने देखा ये काफ़ी महंगा मिल रहा है, 400-500 रुपये का। आप किसी पास के स्टोर से खरीदिए, वहाँ से आपको ये 200-250 रुपये का मिल जाएगा आई थिंक। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो आपको, और अगर आप मेरी इस रेमेडी को 20 से 22 दिन कर लेंगे तो आपके ओपन पोर्सीज बहुत हद तक हट जाएंगे, और अगर आप इसको 1 महीने ट्राई कर लेंगे तो आपके ओपन पोर्सीज बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल ही हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।